फ्रेंड्स अभी मैं हूँ गया के केदारनाथ मार्केट में, जो क्या दुर्गा पूजा पंडाल तो वैसे देखा जाए तो पूरे गया में फेमस होता है, बहुत ही यूनिक होता है। यहाँ पे लाइटनिंग की बात करूँ, यहाँ पे साउंड की बात करूँ, यहाँ पे माता की प्रतिमा की बात करूँ, तो अभी मैं आ गया हूँ गया के केदारनाथ मार्केट में, जिसका इंतजार आप सभी को था, आप सभी का कमेंट आ रहा है। तो भैया केदारनाथ मार्केट का दुर्गा पूजा पंडाल अभी तक नहीं दिखाए हैं, तो अभी मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मेंबर से जानता हूँ कि इस तरीके का पूजा का आयोजन ये लोग कब से करते आ रहे हैं और क्या कुछ नया इस बार लेकर आए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम कन्हैया पांडे हुआ। अच्छा, सबसे पहला सवाल भैया आपसे है कि लोग जानना चाहते हैं केदारनाथ मार्केट में दुर्गा पूजा पंडाल कब से बनता आ रहा है? ये केदारनाथ मार्केट 1942 से स्थापित हुआ था और 1945 से यहाँ पूजा हो रही है। जिस स्थान पे हम बैठे हैं इसको हम लोग गोलंबर कहते हैं और इस गोलंबर में प्रत्येक वर्ष माता बैठती हैं, चाहे वो कोरोना काल था या जो भी था, हर स्थिति में यहाँ पे एक छोटी प्रतिमा हर साल बैठती आ रही है। मूर्ति बहुत सालों से बैठती आ रही हैं और अभी अभी हम आपका बात सुन रहे थे कि माँ की जो प्रतिमा बनी है इसमें मूर्ति का इस्तेमाल जो किया गया वो बाहर से आया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कारीगर जो हमारे यहाँ पर आए थे उनका नाम है अनुपम राणा, जो कि बिहार के पटना से वो आर्ट कॉलेज से वो डिग्री लिए हैं और उनको हम लोग ने वो कलकत्ता के बेसिकली रहने वाले हैं, उनको हम लोग ने यहाँ पे हायर किया, जो कि प्राची कैटर के माध्यम से वो लोग आए और वो यहाँ पे मूर्ति बनाने का काम किए। वो वहाँ की जो मिट्टी होती है, गंगा की मिट्टी, बहुत चिकनी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, जिससे चेहरा जो माँ का होता है वो बन पाता है बहुत खूबसूरत, जिसमें एक अलग रूप निकल के आता है। तो वो वहाँ से अपने साथ वो आए हैं, तो अपने साथ वो 20 बोरा मिट्टी वहीं से लेकर के आए थे और यहाँ पर आकर के माता की मूर्ति में उन्होंने प्रयोग किया। नो डाउट मूर्ति काफ़ी सुंदर है और पंडाल का निर्माण भी बहुत ही बेहतरीन हुआ है। पंडाल का कारीगर कहाँ से आए? पंडाल के कारीगर हमारे बेसिकली जो है, पंडाल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहला पार्ट होता है बांस का, जो बांस से स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो कोलकाता के हमारे टीम थी। उसके बाद उसके ऊपर आते जो बीट और कपड़े का काम होता है, उसमें हमारे पास जामताड़ा, धनबाद और रायपुर के मेन हेड उसके थे, उन लोगों ने काम किया। और उसके बाद थर्माकोल के काम आता है, वो थर्माकोल के काम हमारे जो दिल्ली में टीम काम करते वो है कलकत्ता के, लेकिन वो आज 20 साल से दिल्ली में ज़्यादा करके जागरण वगैरह होते, दरबार सजते हैं, तो वो कारीगर को बुला करके ये CNC कटिंग से तैयार हुआ है। आप जहाँ भी पंडाल गया में देख रहे होंगे वो छुरी से कटता है, ये CNC मशीन के द्वारा कट करके फिनिशिंग इसका अच्छा निकल के आया, इसलिए वो कारीगर को बुला करके हम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण। यानी दोस्तों हम कहते हैं हमारा भारत जो है धर्म निरपेक्ष है या विविधताएं का देश है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका एक प्रूफ देखने को मिल रहा है, जब पंडाल निर्माण हो या फिर मूर्ति निर्माण हो, अलग अलग जगह के लोग जो है मिलकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का अनोखा जो पंडाल का निर्माण कर रखे हैं। भैया एक सवाल और है आपसे कि क्या कुछ नया इस बार किए हैं आप? इस बार नया ऐसा है कि हम लोग जो पंडाल बनाए हैं वो हम लोग आज तक जब भी पंडाल बनाए तो उसका हाइट मैक्सिमम 45 से 50 ज़्यादा। केदारनाथ मार्केट आप प्रवेश करते हैं नगर निगम द्वार के बाद आप इधर आते हैं तो आपको ये पंडाल का दर्शन हो पाता है, लेकिन इस वर्ष आप जो DM ऑफिस जो झरना है गोलंबर के पास वहाँ से ही इस पंडाल का दर्शन हो पा रहा है। इसका मतलब हम लोग यही समझ रहे हैं कि इस बार जो 85 फीट से ज़्यादा हाइट है, एक्यूरेट तो नापना संभव नहीं उतनी हाइट पर जाकर के, थर्माकोल का ऊपर स्ट्रक्चर है 10 फीट और ऊँचा, तो वहाँ से लमसम ये पूरे मगध का सबसे ऊँचा पंडाल अभी है। पटना में भी सेम स्ट्रक्चर इसी सेम थीम पर काम हो रहा है, लेकिन इस वर्ष यहाँ पे बहुत अच्छी पंडाल हम लोग बनाने का कोशिश किए और बना के दिखाए। कोई प्रमोशनल वीडियो तो मैं नहीं बना रहा हूँ, बट मुझे ना भैया यहाँ पर का लाइटनिंग बहुत अच्छा लगा जी। लाइटिंग में हमारे जो प्राची कैटरर हैं उनकी अपनी है, साउंड लाइट की कंपनी भी उनकी अपनी है। अच्छा। वो कैटरिंग में बेसिकली है, लेकिन वो साउंड लाइट में भी अब आ गए हैं, तो गया में जो लोग की ज़रूरत थी साउंड लाइट के एवज में, वो हमारे बड़े भैया होते हैं एज अ दोस्ती नाते के यारे, तो अभी गया में जो ये साउंड क्वालिटी लाकर लोगों को सुना रहे हैं, पहले भी बहुत लोग साउंड वाले थे मगर इस वर्ष जो वो ला के सुनाए हैं बहुत ही काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं ये सब जो मशीनें लगे हुई, ये सब दिल्ली में यूज़ होती है, ये सब बहुत महंगे महंगे मशीनें लाइनर लगे हुए हैं, जो एक्टिव लाइनर है जिसमें मशीन का प्रयोग नहीं होता है, उसमें एक्टिव मशीन उसी में होता है, सिर्फ उसके इक्वलाइजर से वो कंट्रोल होकर के वो बजता है। तो क्वालिटी साउंड और लाइट के ऑपरेटर खास करके जो है छत्तीसगढ़ से जो BSM के जो हमारा लाइटिंग सारा BSM का लगा हुआ है, उसके ऑपरेटर आकर के सारा प्रोग्रामिंग करके वो लोग गए हैं। और अभी हमारे पास दिल्ली के ऑपरेटर साउंड में हमारे जो है कि डिहरी के ऑपरेटर हैं, ये लोग आकर के यहाँ पर सारा काम को मिला कर टोटल अभी 20 वर्कर अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन करते हैं जी, एकादशी तिथि को यानी आज से परसों यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम चालू रहेगा, साथ ही साथ आज से ही
हमारे यहाँ होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं जो घूमते घूमते यहाँ के थक जाते हैं, तो लमसम 200-300 लोग प्रतिदिन हमारे यहाँ आज से भोजन करेंगे। अच्छा, जो थक के हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, जो साग सब्जी बेचने वाले के परिवार हो तो जानते हैं कि हमारा यहाँ पर जगह है, तो हम उन लोग ग्रामीणों के लिए भी भोजन व्यवस्था यहाँ पर हम लोग आज से ही चालू करें। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी पहल है, आप लोग ये शुरू से करते आते हैं? वही भोजन पूरी प्रशासन के, यहाँ पर 200 से ज्यादा प्रशासन है, आप पूरा राउंड ले लीजिएगा, पूरी प्रशासन के हाथ में, हम लोग वॉलंटियर सिर्फ अंदर हैं, पूरी गेट चारों तरफ उनके हाथ में है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे उनका लॉ एंड ऑर्डर चलेगा वैसे वो लोग करेंगे। हमारा लॉटरी काउंटर पहले यहाँ पे होता था, ये उठ करके चला गया, जैसे सरकार का आदेश हो रहा है डीएम साहब का, हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हो रहा है और उसी बीच में हम लोग उनके साथ साथ मिल करके चल रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है या देखा भी है कि गया में बहुत ज़्यादा क्राउड केदारनाथ मार्केट में आता है, तो किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं, आपकी टीम कितनी, कितने लोगों की टीम है यहाँ पे? हमारे अपने वॉलंटियर टोटल, हम लोगों जो आइडेंटिटी कार्ड बनवाया है वो 125 वॉलंटियर का बनवाया है, 125 हमारे दुकानदार के, हर हम लोग मीटिंग करते हैं, हर दुकानदार का एक कोई भी व्यक्ति यहाँ वॉलंटियर ड्यूटी करेगा। उसके बाद हम लोग टोटल 45 सदस्यीय पदाधिकारी जो इस दुर्गा पूजा को देखते हैं वो लोग हैं,